गया था। तो क्या हुआ था रोशन जी को आधी रात में, आप लोग को ब्लॉग में बताते हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब आए, होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। और रोशन जी का तबीयत थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था नाइट से, तो सुई भी दे के गए हैं तो अभी ठीक है। और इसीलिए ना मतलब हम सोचे सुबह से ब्लॉग शूट करेंगे और आप लोग को अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन अभी आप लोग को दिखाने कितना बजे, अभी हम नहाए हैं, अभी पूजा किए हैं जस्ट, और अभी मतलब ब्लॉग भी नहीं बना पाई थी, सो इसीलिए उतना टाइम आप लोग का आप सभी का नहीं लेंगे, बहुत कम समय में हम ब्लॉग एंड करेंगे। तो चलिए फिर आप लोग को टाइम दिखाते हैं, बैक कैमरा से दिखा देते हैं, वरना हम ही बोल देते हैं नहीं 12:05 है। तो अभी नहाए हैं, तभी सोचे ब्लॉग शूट करें, तो उसके बाद खाना वाना खाएंगे, क्योंकि रोशन जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मतलब उनके पेट में मतलब किडनी मतलब स्टोन जो है वो पूरा मतलब बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, और दर्द करने के बाद वो भी सोए हुए हैं, तो वो मतलब उसी उन्हीं के पास बैठना था। और पूरा रात मतलब हम भी जगे हुए थे, तो मतलब सुबह में मतलब आराम उराम हुआ तो हम भी सो गए थे, तो इसलिए सुबह लेट से जगे। तो बहुत ज़्यादा घर आप लोग जानते हैं गांव का नियम कैसा होता है, सो इसीलिए इतना लेट हो गया हमें ब्लॉग शूट करने में। तो अभी चलिए आप लोग को रोशन जी से मिलाते हैं, और इसके बाद नहाए वहाए कपड़ा वपड़ा देखिए कितना ज़्यादा धोना भी था, सारा कपड़ा धोना ये वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ब्लॉगिंग शूट करने में। इतना मेहनत से हम ब्लॉगिंग शूट करते हैं, आप लोग क्यों हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग हमारे, और हम एक बात आप लोग से कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे YouTube फैमिली है जो हमारे YouTube पर हमारे वीडियो तो देखते हैं बट उन सब्सक्राइब नहीं करते, उन लोगों उन सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप सभी के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें, और आप हमारे और हमारी फैमिली हम और रोशन जी और हमारी बेबी तीनों का भविष्य आप सभी के हाथ में। और क्योंकि अगर आप लोग हमें प्यार दीजिएगा तभी अपना हर एक सपना पूरा कर पाएंगे, और फिलहाल अभी तो उतना सपना नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे एक ही सपना है क्योंकि रोशन जी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आप लोग प्लीज़ भगवान से ये दुआ कीजिएगा। चलिए बिना कुछ देखे रोशन जी के पास ले चलते हैं। रूम आ चुके हैं, और इधर देखिए रोशन जी मतलब अभी पता नहीं अभी खाना खिला के दवाई खिलाएं तो अभी सोए हुए हैं, तो अभी इन्हें नहीं जगाएंगे तो इस ब्लॉग में उनको नहीं लेंगे, क्योंकि अभी आराम करने देते, काफ़ी ज़्यादा इनको पेट में दर्द था, और वहाँ पर हमारी राशि है सोई हुई है, तो उतना ज़्यादा तो हम आप लोग का टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत मतलब बहुत टाइम के बाद आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं, तो उतना टाइम तो नहीं लिए, बट जो भी था आप लोग को हम बता दिया सच्चाई, और कुछ मतलब सुई भी दिए थे तो, और सुई और दवाई दे के गए, तभी सारा चीज़ यहीं पर देखिए इतना मेडिसिन है, और पानी भी यहीं पर मतलब हर एक चीज़ यहीं पर मतलब यहाँ पर ही रख दिए थे, ताकि रोशन जी को मतलब जो चीज़ ज़रूरी पड़े हम अगर उधर है नहीं दे पाए तो वो खुद मतलब यहाँ पर रख, देखिए आप तो जस्ट वहाँ पर रखते हैं ताकि कुछ भी उनको ज़रूरत पड़े तो वो ले सके। और भी दर्द हमारे सोए हुए हैं देख सकते हैं आप लोग, और उधर राशि को भी सुलाएं, तो सुला उला के ना अभी हम मतलब सोचे कि अभी जाएंगे, तो अभी पूजा तो कर लिया है, और बस अभी मतलब वीडियो एडिटिंग और भी मतलब जो काम है वो करके उसके बाद खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद अब देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल चावल खाने का जिद किया, तो अब देखते हैं अब रोटी आप लोग बताइए चावल इन्हें खाने दें या रोटी, या फिर इन चावल या रोटी खाने से कोई प्रॉब्लम होता है प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें उतना भी अभी जितना बताया उतना तो परहेज कर रहे हैं। और कुर्सी का दाल लाने जाएंगे, वो ब्लॉग आप लोग को कल हम लाएंगे, क्योंकि अभी आराम हो जाए पेट दर्द, तो शाम को इन्हें भेज देंगे इन्हीं को जाना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो और कोई है नहीं जो दवाई ला सके मतलब कुर्सी का दाल ला सके। और भी आप लोग को मतलब और भी मतलब बालम खीरा का जो है उसका मतलब कि बहुत मतलब बोल रहे थे, तो बालम खीरा का मतलब कि पता नहीं कैसे बनाता है पता नहीं, बट कोई बना के मतलब किसी से खरीदेंगे तो वो भी लाएंगे शाम को आप लोग को, यानी कि आप लोग को कल वाले ब्लॉग में कुर्ती का ये वो मतलब कुर्ती का दाल और उसके बाद बादाम खीरा का रस का जो उसका जो है दवाई बना गया है कैसा दिखता है वो आप लोग को हम कल दिखाएंगे। तो इस ब्लॉग में तो उतना हम नहीं बता पाए अच्छे से, क्योंकि अभी मेरा ना क्या बताएं मतलब मेरा हमारे शरीर में भी चक्कर बहुत ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि रात में जगना उसके बाद सुबह होके इतना सारा काम करना, फैमिली मेंटेन और जॉइंट फैमिली है, तो इसीलिए तो दिक्कत तो थोड़ा हो ही जाता है।
सो इसीलिए। और तो चलिए फिलहाल आप लोग हमारे इस ब्लॉग पर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग में बस यहीं तक, आशा है कि आप लोग हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओके बाय।